हमारे साथ एमपी से हैं रितु जुनेजा जी, स्वागत है आपका हाँ जी। जी, नमस्ते मैम नमस्ते नमस्ते। जी। मुझे हकीम साहब साहब से कुछ सवाल पूछने थे। नमस्ते हकीम साहब जय हिंद, स्वागत रितु जी आपका बहुत बहुत। जी। सर, मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम 5 सालों से है, और मुझे अभी 4 महीने पहले जो ब्लॉकी हुई तो उसमें मुझे ब्लॉकेज आया 70%। एक मेन आर्टरी में ब्लॉकेज आया है, और जैसे कैल्शियम आयरन भी मेरा कम रहता है, और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी है मुझे। और उसके अलावा मेरी गुड़िया है, 12 साल की है वो, उसको थोड़ी सी आई में विजन प्रॉब्लम है, जैसे इतना पुतली उसकी मूव करती है, और जैसे उसको चश्मा भी लगा हुआ है, और हाइट भी कम है उसकी, और उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट उसका डिले था, तो हाइट वाइट तो उसकी अभी थोड़ी कम है। फिजियो से उसका ट्रीटमेंट चला स्टार्टिंग से। और एक मेरा बेटा है, वो है 20 साल का, उसको भी जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी रहती है, और कोलेस्ट्रॉल जैसे उसका अभी करवाया था तो 235 आया उसको। जैसे उसको जॉइंटिस हुआ तो क्या उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा बढ़ा हुआ ही आता है उसको। अच्छा, बेटी की उम्र और कितनी है? बेटा 20 साल का है, बेटी 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 12 साल की। और कोई सवाल? और सी केयर और एन केयर का यूज मुझे जानना था। देखिए, सी केयर महिलाओं की खास परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहे हों तो एक कैप्सूल रोज़ाना लेते हैं, या उनके ओवरीज की कोई प्रॉब्लम हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो, उसमें दिया जा सकता है। एम केयर यानी दिमाग के लिए है, मेमोरी के लिए है, दिमाग के लिए है। किसी की याददाश्त नहीं हो, किसी कोई डिप्रेशन में हो, और किसी को नींद नहीं आती हो, ऐसे लोगों को एम केयर दिया जाता है। अच्छा, बच्ची का अभी डेवलप हो रहा है और थोड़ा सुस्त है उसका डेवलपमेंट, तो उसको आप गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 1 ग्राम रोज़ाना गाजर या सौंफ के जूस के साथ दीजिए। गाजर का, आजकल गाजरें चल रही होंगी, तो गाजर के जूस में 1 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर उसे पिलाया करें रोज़ाना एक बार। जब गाजर का ज़माना ना हो और गाजर ना मिल पाए, तो 2-3 चम्मच 4 चम्मच सौंफ उबाल कर उसके पानी में गौन मोरिंगा सफ़ेद मिलाकर आप उन्हें पूरे दिन में एक खुराक दे सकते हैं, तो उसका डेवलपमेंट, उसकी हाइट और विज़न में फ़ायदा मुमकिन है। और बच्चे के हाजमे के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, खाने में जो आप खाना बनाते हैं उसमें जो अदरक डालती हैं, तीसी डालती हैं, इतनी अदरक डालने लगें और इतना ही लहसुन और ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा, तो हो सकता है कि इस तरह का खाना खाने से ही उसका कॉन्स्टिपेशन टूट जाए और वो नॉर्मल हो सकता है। और ये नुस्खा भी है इसके लिए कि सौंफ, सौंफ तो आप जानती हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ों का बारीक पाउडर बनाकर रख लें। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिला दें, और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर बच्चे को रोज़ाना एक बार या 2 बार दें, तो बच्चे को इस नुस्खे से फ़ायदा मुमकिन है। ये हर वो शख्स ले सकता है जिसके पेट में एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर और हाजमा ख़राब, और एब्डोमन में कोई प्रॉब्लम है, पूरे पेट में कहीं भी, लीवर में कहीं भी प्रॉब्लम है, तो वो हर शख्स इस नुस्खे को ले सकता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और जैतून का सिरका भी लिया जा सकता है। जैतून का सिरका 2 चम्मच पानी में मिलाकर या सालन में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, इससे फ़ायदा मुमकिन है। जी,
इनका खुद का भी कॉन्स्टिपेशन को लेके सवाल था हकीम साहब। हाँ, तो आप अपना इलाज भी इस नुस्खे से कर सकते हो। जी शुक्रिया रितु मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर हैं सतवंती जी दिल्ली से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार मैम। हकीम साहब नमस्कार। जय हिंद, स्वागत जी आपका बहुत बहुत। हकीम साहब, मैंने आपका प्रोग्राम सुन के वो जामुन का गोंद मंगा था शुगर के लिए, तो शुगर में तो मेरे को आराम है, केक केक लेना दोनों टाइम, तो उससे मेरे को बाथरूम में थोड़ी चिपचिपाहट महसूस हुई, मैंने वो बंद कर दिए। तो फिर एक नवीन सर है, उन्होंने कहा कि आप, उन्होंने कल मेरे को वो शिवरंजनी नमक भेजा, तो आप बताओ उसको कैसे लेना है। ठीक, ठीक है। बहुत अच्छा कि आपको फायदा शुरू हुआ। डायबिटीज़ की मुस्तकिल दवा किसी के पास नहीं है, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है दवाओं के ज़रिए, और इस ज़रिए से कि डायबिटीज़ के मरीज़ को पैदल भी चलना चाहिए 1 घंटा कम से कम पूरे दिन में, और गर्म पानी पीना चाहिए, और परहेज़ भी ज़रूरी है। और नमक जैतून हो या नमक शिवरंजनी हो, ये 1 से 2 चुटकी पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है दिन में 1 बार या 2 बार, और जो दवा आपने बंद कर दी, अच्छा किया, आप ये इलाज करते रहिए।